हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल 5 में हम कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी मेडिसिन की स्टडी करेंगे विच इज़ नोन फॉर इट्स स्पीड एंड ड्राइविंग एंड डेंजर, इस सब के साथ। और जानते हो ये कौन सा बर्ड है, पक्षी है? ये वो पक्षी है जो वो सारी एनिमल किंगडम में जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और मोर देन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ऊपर को जाता है, आसमान को छूता है, बादलों से ऊपर चला जाता है। यस, द मेडिसिन इज फाल्कन पी। ये फाल्को पी बाज से बनी मेडिसिन है, पक्षी की बर्ड मेडिसिन है। सो दिस इज द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम। आज हम इसी की दो तीन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। पहले ड्राइविंग एंड डेंजर, स्पीड, फिर इसके रीजंस के कहाँ से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और उसके बाद आईपीआर के किस तरह के इसके रिलेशंस होते हैं इन द फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट दिस मेडिसिन। दिस इज अ वेरी बिग एंड वेरी लॉन्ग मेडिसिन, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें हम उसकी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। जिस तरह से इस बर्ड की स्पीड बहुत तेज होती है, उसी तरह से इस पेशेंट की स्पीड भी बहुत तेज होती है। नोन फॉर ड्राइविंग, फॉर स्पीड एंड फॉर फियरलेसनेस। इतना ऊंचाइयों तक जाता है लेकिन डरता नहीं है। द सेम इज विद दिस पेशेंट। बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाना लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं। ड्राइविंग डिजायर फॉर, कैसी ड्राइविंग? बहुत स्पीड वाली। आजकल हम बच्चों को देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा तेज गाड़ियां चलाते हैं, 130 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर, और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कुछ भी हो जाएगा। सो ड्राइविंग फास्ट, डिजायर फॉर फास्ट ड्राइविंग। सिर्फ 8 मेडिसिन हैं जिनमें फास्ट ड्राइविंग होती है। और किस तरह की? रेकलेस एंड इनडिफरेंट टू द कॉन्सिक्वेंसेस। रेकलेस, रैश, परवाह किए बिना इतनी तेजी से जाना। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह ड्राइव करते हैं, इतना फास्ट ड्राइव करते हैं कि जब वो हमें क्रॉस करके जाते हैं, हम देखते ही रह जाते हैं कि कितनी स्पीड पे ये लोग जा रहे हैं। और बिल्कुल टोटली केयरलेस वे में चलाना। आजकल के टाइम पे ये मेडिसिन बच्चों को, उन बच्चों को, उन यंग लोगों को दी जा सकती है जिनमें स्पीड की बहुत ज़्यादा चाहत है। और इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, गाला क्यूआर एंड फाल्कोपी, जहाँ पे रेकलेसनेस है, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए टोटली इनडिफरेंट है। उसके मन में कोई परवाह नहीं है कि क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, कोई मर जाए, ही इज टोटली इनडिफरेंट टू दैट। बहुत बार हम देखते भी हैं। सो ड्राइविंग फास्ट विदाउट बॉदरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। और इसमें और किस तरह की ड्राइविंग है? एक ही राउंड अबाउट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना। जैसे अक्सर हम यंग बच्चों को देखते हैं ना कि एक ही जगह पे वो गेड़ी रूट होता है, तो उसमें एक ही जगह पे धीरे धीरे आगे पीछे जाते रहना, गोल गोल करते रहना, तो ये पेशेंट भी ऐसा है। राउंड अबाउट सेवरल टाइम्स ड्राइविंग अराउंड द सेम राउंड अबाउट। एक ही राउंड अबाउट के इर्द गिर्द चक्कर पे चक्कर लगाते रहना। इसमें सिंगुलर फाल्कन पी है। सो इस तरह की इनकी ड्राइविंग होती है जिसमें स्पीड है लेकिन उसमें क्या होना है कोई परवाह नहीं है। ड्राइविंग के साथ रिलेटेड डेंजर है, खतरा है। और ड्राइविंग करते समय क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। माइंड तो कहीं और है,
शायद जैसे आजकल के यंग बच्चे लड़के घूम रहे हैं, गेड़ी रूट पे जा रहे हैं तो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, हो सकता है कि उस वजह से माइंड तो कहीं और है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, जहाँ पे ये घूम रहे हैं, जहाँ पे ये गाड़ी चला रहे हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड व्हेन ड्राइविंग अ कार, ध्यान कहीं और है। एंग्जाइटी राइडिंग व्हाइल, एंग्जाइटी राइडिंग व्हाइल ड्राइविंग हिमसेल्फ व्हेन, घबराहट होनी, टेंशन होनी, स्ट्रेस होना गाड़ी चलाते समय, जब वो खुद गाड़ी चला रहे हैं। डिल्यूजन डेंजर इम्प्रेशन ऑफ, मन में है ये इमेजिनेशन है कि देयर इज डेंजर, खतरा है, क्योंकि स्पीड है, खतरा इसीलिए है स्पीड की वजह से, लेकिन बट विदाउट फियर, लेकिन डर वाली कोई बात नहीं है, डरता नहीं है, खतरा है, खतरे का इम्प्रेशन है कि यस देयर इज डेंजर, पर डर वाली कोई बात नहीं है। डिल्यूजन एलिवेटेड इन द एयर, एलिवेटेड इन द एयर, हवा में ऊपर उड़ रहा है, और फीट स्केर्सली टच द ग्राउंड, उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे हैं, इस तरह की स्पीड है कि पैर जमीन पे नहीं लगते और वो हवा में ऊपर उड़ रहा है। क्लाइंबिंग डिजायर, क्लाइंब करने की इच्छा, लैक ऑफ रिएक्शन टू डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, खतरा तो सोचना ही नहीं है कि खतरे वाली कोई बात है। डिल्यूजन फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में उड़ना, लाइक ए काइट और अ बलून ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे वो हमने बैलून पे, गुब्बारे पे वो धागा लगा के ऊपर को जाता है गुब्बारा, या काइट उड़ रहा है, उस तरह से उसको लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, लाइक अ काइट और अ बलून विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ, धागे के साथ, इस तरह का। इसमें भी आई थिंक देर इज सिंगुलर, फाल्कोपी इज सिंगुलर। और आगे डिल्यूजन सिक्योर इवन विद इन क्योस फील्स, क्या महसूस करता है, टोटल क्योस है, कंफ्यूजन है, फिर भी ही फील्स सिक्योर, वो सुरक्षित है, सिंगुलर फाल्कोपी। डिल्यूजन अनसपोर्टेड, कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसी का भी साथ नहीं है, तो यहां पर भी सिंगुलर। फियरलेसनेस डेंजर इन स्पाइट ऑफ, के फियरलेसनेस है, कोई डर नहीं है, इन स्पाइट ऑफ डेंजर। देखो कितने सारे रूब्रिक्स ड्राइविंग एंड डेंजर के साथ रिलेटेड है। कन्फ्यूजन ड्राइविंग व्हाइल, चलाते समय जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, वैसे ही कन्फ्यूजन है। इनडिफरेंट टू डेंजर, डेंजर के लिए कोई है ही नहीं कोई मन में, टोटली इनडिफरेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट टू डेंजर। सो अगर हम इस सारे को इकट्ठा करते हैं, वॉन्डर डिज़ायर, ट्रेवल डिज़ायर, अगर हम सारे को इकट्ठा करते तो एक चीज़ बीच में से निकलती है कि अगर स्पीड की कोई मेडिसिन है, दैट इज़ फाल्कोपी। फाल्कोपी में बहुत ऊंचाइयों में जाना, बहुत तेज़ स्पीड, लेकिन कोई डर का आभास नहीं, अगर है भी तो भी वो डरता नहीं है। फियरलेसनेस सभी सिचुएशंस में, कॉन्सिक्वेंसेस की बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये तो एक हिस्सा है फाल्कोपी का। अभी हम इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस की और डिफरेंट सिचुएशंस की बात करेंगे। पेशेंट की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, एलिमेंट्स फ्रॉम abused after being, के शोषण हुआ है,
पेशेंट के साथ, एब्यूज्ड किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है सेक्सुअल एब्यूज, यौन शोषण। कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, गृहिणी भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है। बहुत बार हम फीमेल्स में जब पेशेंट्स देखते हैं तो उनमें उनके घर का माहौल इस तरह का होता है कि टोटल एब्यूज़ होता है, या हस्बैंड के साथ रिलेशन ऐसा होता है कि उसका बिल्कुल भी सेक्स में इंडल्जेंट नहीं होती, एलमेंट फ्रॉम सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन इज बहुत ज़्यादा लो फील करना, ह्यूमिलिएट करना, एलमेंट फ्रॉम बीइंग शेम, फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, फ्रॉम स्कॉर्न, आपका तिरस्कार किया गया, वहाँ से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। डोमिनेशन, डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक डोमिनेशन रही है, किसी के प्रभाव के नीचे, किसी के कंट्रोल के नीचे। अगर हम इसके गुस्से की बात करते हैं, इरिटेबिलिटी की बात करते हैं, रेज की बात करते हैं, तो गुस्सा तीन चार चीज़ों पे आता है। एंगर वॉयलेंट, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, अगर पेशेंट को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके विपरीत जाता है, उसके विरुद्ध जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है। एंगर एट नॉइस, इरिटेबिलिटी एट नॉइस, कि शोर शराबा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो एंगर और इरिटेबिलिटी दोनों नॉइस से होते हैं। इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन, एंगर टच्ड व्हेन, किसी ने छू दिया, ये छूना फिजिकल छूना भी हो सकता है या मानसिक स्तर पे भी हो सकता है, किसी को कोई बात टच करके, तो गुस्सा आ जाना। एंड एंगर ऑल्टरनेटिंग विद ट्रैंक्विलिटी, एक बार बहुत गुस्सा आया, एंगर वॉयलेंट हुआ, बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एंगर ऑल्टरनेटिंग विद ट्रैंक्विलिटी, शांति, बिल्कुल चुप, काम, इस तरह से। और इरिटेबिलिटी में भी ऐसे ही है कि डिस्टर्ब्ड व्हेन, नॉइस फ्रॉम, ट्राइफल्स फ्रॉम, और रेज भी है, लेकिन सिर्फ दो रूब्रिक्स रेज की है, रेज विद कर्सिंग, रेज विद बाइटिंग, काटने तक जाना और कर्स करना, किसी को बद्दुआ देना। इतना एब्यूज्ड हुआ है, इतना ज़्यादा डोमिनेशन से ही है, तो ये चाहता क्या है, इसको चाहिए क्या है? पेशेंट को कुदरत से, नेचर से, फूल पौधों से, माउंटेन से, गांव से, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है। अगर उसमें वॉन्डर डिज़ायर है, ट्रैवल डिज़ायर है, तो कहाँ जाना चाहता है? कंट्री साइड, गांव में जाना चाहता है, लव्स नेचर, कुदरत से प्यार करता है। ग्रेट डिस्टेंसेस, डिज़ायर टू सी, दूर दूर तक, लंबे लंबे डिस्टेंसेस, रास्ते, जगह देखने को मन करता है। और जब खुली हवा में चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा उसको हैप्पीनेस होती है। एक्सटेसी, वॉकिंग इन ओपन एयर ऑन, खुली हवा में चलने से एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना। और जॉय इन नेचर, कुदरत में भी, प्रकृति में भी उसको बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा उसका मन करता है कि प्रकृति में रहूं, गांव में रहूं, सी साइड में रहूं, वहां जाऊं। और इसको कभी भी हाउस में, कैन नॉट बी कैप्ट इन हाउस, घर में बांध के रखा नहीं जा सकता, चाहे डोमिनेशन है, चाहे अब्यूज है, फिर भी द पेशेंट कैन नॉट बी कैप्ट एट होम। सी साइड लव्स। अब बात करते हैं पेशेंट के आईपीआर की, इसके रिलेशंस की विद इट्स फैमिली, के अपने परिवार के साथ किस तरह के इसके रिलेशंस हैं। कभी तो ये उनकी चिंता करता है, कभी ये उनको छोड़ देता है, और कभी वो इसको छोड़ देते हैं, ये टोटली डिटैच्ड होता है। एंगर का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है एंगर, कोल्ड एंड डिटैच्ड, सिंगुलर, गुस्सा, रूखापन,
कोल्ड क्या कहेंगे, कोल्ड क्या होगा, कोल्ड ये ठंड वाला कोल्ड नहीं है, ये कोल्ड होगा कि जिसको किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, डिटैच्ड, उनसे जुदा हुआ, उनसे सेपरेट, उनके साथ अटैच्ड नहीं, अटैच्ड के ऑपोजिट डिटैच्ड। सो इसमें डिटैचमेंट बहुत होती है, डिटैचमेंट, वेव्स ऑफ डिटैचमेंट, कि किसी के साथ कोई प्यार नहीं है, शायद अब्यूज़ ज़्यादा हुआ है, शायद सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा हुआ है, शायद डोमिनेशन ज़्यादा हुई है। इसमें कहीं भी टॉर्मेंटेड नहीं है, कहीं भी टॉर्चर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सो फैमिली, फैमिली की चिंता, बच्चों की चिंता, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, एंग्जाइटी अदर्स फॉर, दूसरों के लिए चिंता है। और किसकी इसको कंपनी चाहिए, कंपनी डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन ऑफ, बच्चों की, इसको बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चों की चिंता, सिंपथी फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एनिमल्स टू, जानवरों से भी बहुत सिंपथी, हमदर्दी करनी, एंड सिंपथी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, उनके लिए हमदर्दी, इसके मन में होता है कि बच्चे हैं, और इसकी इमोशंस टोटली सुप्रेस्ड है, जैसे डिटैच्ड है, कोल्ड है, उसी तरह से इमोशन सुप्रेस्ड, कोई भावनाएं ही नहीं, दबी हुई भावनाएं। इसकी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एंगर सुप्रेस्ड भी था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड, उसी तरह से इसकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, दे आर आल्सो सुप्रेस्ड। और इसको एक बार तो लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे बच्चे नहीं हैं, और एक बहुत सुंदर सा रूब्रिक है, डिल्यूजन चाइल्ड नॉट हर्स, के उसका बच्चा उसका नहीं है, क्यों नहीं है, उसके साथ नीचे लिखा हुआ है, हर चिल्ड्रन आर चेंजलिंग्स एंड विल लीप अप एंड अटैक। चेंजलिंग्स जो अंग्रेज लोगों की कुछ फेरी टेल्स हैं, कहानियां हैं, उनमें वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह, छोटे बच्चों की तरह, जिनको ये फेरीज ने कुछ डेविल्स बना दिया, उनको चेंज कर दिया, तो इसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरा नहीं है, उसको फेरीज ने चेंज कर दिया है, और अब वो क्या करेगा, मेरे ऊपर छलांगे लगाएगा, लीप अप एंड अटैक, और अटैक करेगा। डिल्यूजन चाइल्ड नॉट हर्स, हर चिल्ड्रन आर चेंजलिंग्स एंड विल लीप अप एंड अटैक, ये जो बच्चे हैं मेरे, ये मेरे ऊपर चढ़ेंगे, छलांगे लगाएंगे और मेरे ऊपर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। ये भी एक इसकी फीलिंग है, सिंगुलर मेडिसिन है इसमें, और ये एस्ट्रेंज्ड एंड फोरसेकन दोनों में है, एस्ट्रेंज चिल्ड्रन फ्रॉम, फ्लाइज अवे फ्रॉम हर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों से दूर भागना, फैमिली फ्रॉम हर, अपने परिवार से डिटैच्ड है, कोल्ड है, सुप्रेस्ड इमोशंस हैं, कोई भावनाएं नहीं है, चाहे चिंता है लेकिन फिर भी एस्ट्रेंज्ड है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बच्चों से भी नहीं है, फैमिली से भी नहीं है, हस्बैंड फ्रॉम हर, हस्बैंड से भी नहीं है, वाइफ फ्रॉम हिज, अपनी पत्नी से, और सोसाइटी फ्रॉम, सेल्फ फ्रॉम, ऐसा करते करते खुद से भी उसको, He is estranged from self, और forsaken, forsaken feeling of isolation, sensation of with the terror, isolation की, अकेलेपन की, अकेले हो जाने की, इस तरह की अनुभूति, और साथ में forsaken के उन्होंने इसको छोड़ दिया, और he is totally indifferent to his family, indifferent होता है lack of interest, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसमें नहीं है, टू हिज फैमिली, हस्बैंड, टूवर्ड्स एवरीथिंग, लव्ड वंस, रिलेशंस टू, सो ही इज टोटली इंडिफरेंट टू हिज रिलेशंस, टू लव्ड वंस, टू एवरीवन एल्स, टू हस्बैंड, टू हिज फैमिली,
अपने परिवार के लिए जहां पे एक तरफ चिंता है वहां दूसरी तरफ ये इंडिफरेंट है, फोरसेकन है, एस्ट्रेंज है। और अब वो करना क्या चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू डू? एस्केप अटेम्प्ट्स। वो कोशिश करता है इन सब से दूर भाग जा, फैमिली एंड चिल्ड्रन, अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम हर, कि अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर भाग जा। House wants to get out of the house, wants to get out of the house after fright, डर जाने के बाद। डर शायद abuse का है या long domination का है। तो ये वहाँ से उस situation में से बाहर निकलने की, भागने की कोशिश करता है। He tries। इस सब के साथ साथ उसमें unfeeling, जिसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, अनफीलिंग, नॉट फीलिंग एनी इमोशंस टूवर्ड्स हिज फैमिली, फैमिली विथ हिज, बच्चों के लिए, जानवरों के लिए ये हमदर्दी रखता है, उनके लिए, फैमिली के लिए चिंता करता है, लेकिन फिर भी उनके लिए टोटली अनसिम्पैथेटिक एंड अनफीलिंग है। बिल्कुल भी उसके उसके मन में कोई भी अपने परिवार के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स सुप्रेस्ड, इमोशन सुप्रेस्ड, एंगर सुप्रेस्ड, बिकॉज ऑफ दिस ऑल डोमिनेशन एंड मैनी थिंग्स। इसमें डिस्पेयर है, निराशा है, किसी भी चीज में इसको हैप्पीनेस नहीं मिलती। लॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसमें सिर्फ दो तीन मेडिसिन हैं, वन इज ऑरम, सेकेंड इज इग्नेशिया एंड थर्ड इज फाल्कोपी, कि सब कुछ खत्म है। डिस्पेयर के अंडर, निराशा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अबाउट पॉवर्टी एंड अगलीनेस इन, गरीबी में, अगलीनेस में, बदसूरत, शक्ल से बदसूरत नहीं होता, बदसूरती उसके रूटीन में हो सकती है, बदसूरती उसके सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, सिचुएशंस में हो सकती है। सो इसके लिए, सब के लिए निराशा है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज मेडिसिन। अभी भी फाल्कन पी का बहुत सारा कुछ पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाल्कन के कुछ अच्छे पॉइंट्स, सम गुड पॉइंट्स एंड सम बैड पॉइंट्स, वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर doctor friends so that they can also use this medicine. Thank you so much for watching this video. Thank you.